यही है वो मेन चीज एक्चुअल में, मतलब जो अंडे का मिक्सचर था वो नॉर्मल था, बट ये जो प्रोसेस होने वाला है ना, जिसको अप्पे के सांचे में रहकर बनाना है और फिर उसको पलटना है, वही एक टास्क है। उसके बाद ही हम इन्हें कह सकते हैं अप्पे, एग अप्पे। तो भाई अभी स्टार्ट हो रहे हैं हमारे एग वाले अप्पे। तो सबसे पहले यहाँ पे भैया दो अंडे ले रहे हैं अपन। हाँ भैया, दो अंडे। अच्छा, दो अंडे के बनेंगे ये, एक ये दूसरा। ये दूसरा भैया, आपको ये आइडिया कहाँ से आएगी, मतलब अंडे के अप्पे बनाते हैं, मतलब साउथ इंडियन लोग तो अपने बनाते हैं। पहले बता दो ये कौन सा मसाला है इसमें? अपना प्याज है, टमाटर है, हरी प्याज है। अच्छा, मतलब सबका एक मिक्सचर पूरा चॉप करके बढ़िया बना दिया। अच्छा, तो ये जा रहा है इसमें। हाँ जी, तो आप बता रहे थे कि कैसे आया आपको आइडिया ये अप्पे का? ये अप्पे का आइडिया ये भैया का। अच्छा, ये भैया है अप्पे के पीछे। हाँ। अच्छा, तो भाई बहुत ही यूनिक चीज़ है, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि भाई अंडे के अप्पे कैसे बनते हैं। इसमें ये डाले अपन ने हरी चटनी। अच्छा, ग्रीन चटनी थोड़ा स्पाइस के लिए। हाँ, और ये जा रहा है कोरिएंडर। अच्छा, थोड़ा सा धनिया आ गया इसमें। अब इसमें जाएंगे हमारे मसाले। अच्छा, मसाले जाएंगे। ये है काली मिर्ची। अच्छा, काली मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, काला नमक, रॉक सॉल्ट। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फेटेंगे पूरा अंडे में। अमूल बटर। अच्छा, मतलब पहले अप्पे के सांचे में पूरा अच्छे से बटर लगाया जा रहा है। भाई यही है वो मेन चीज एक्चुअल में, मतलब जो अंडे का मिक्सचर था वो नॉर्मल था, बट ये जो प्रोसेस होने वाला है ना, जिसको अप्पे के सांचे में रहकर बनाना है और फिर उसको पलटना है, वही एक टास्क है। उसके बाद ही हम इन्हें कह सकते हैं अप्पे, एग अप्पे। तो वे ऐसे कितनी देर पकाते हैं फिर भी? लगभग 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट लगते हैं दोनों साइड से पकने में। हाँ। अच्छा, तो भाई अभी एक साइड से अप्पे अच्छे तरीके से पक गए हैं, लगभग भैया दो ढाई मिनट हो गए हैं। हाँ। और आप देखो भाई क्या कलर आ गया है इसमें। तो अभी इसे पलटाएंगे एकदम अच्छे तरीके से, मतलब ये भी प्रोसेस एक्चुअल में जो साउथ इंडियन अप्पे अपन खाते हैं ना, उसी तरीके से है, बट ये जो फ्यूजन किया गया है, ये किया गया अंडों के साथ। पूरे इंडिया में आपने ये चीज मेरे हिसाब से कहीं पे भी नहीं देखी होगी। और तो भैया इसका रेट क्या है वैसे? 60 रुपीज। अच्छा, 60 रुपीज का है जी भैया। ओके भाई, ये तो एक्चुअल में 7 पीसेज है ना। अच्छा, अभी इनकी होगी जी प्लेटिंग। तो आप देखो भाई क्या गोल हो गया है, मतलब पूरे एक्चुअल में परफेक्ट शेप आ गया इनका और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं तो एक्साइटेड हूँ इन्हें ट्राई करने के लिए। हालांकि ये मुझे पता है कि ऑमलेट के समान टेस्ट करेंगे, बट ये जो चीज़ है ना, मतलब एकदम अलग तरीके से बनाई गई है। मतलब अंडों को एक एक्चुअल में फ्यूजन दिया गया है, पर अंडों की वैल्यू रखते हुए। ऐसा नहीं भाई कुछ भी डाल दिया अप्पे में, सांभर डाल दिया, कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं। मतलब अंडे को ही अप्पे में कन्वर्ट कर दिया है। साउथ इंडियन अप्पे सबने खाए, बट हमारे एग वाले अप्पे रेडी हो चुके हैं। मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, और पूरे इंडिया में सिर्फ नागपुर में मिलते हैं अंडे के अप्पे। तो यार इसे ट्राई करते हैं अभी, ये जी सॉस और इनकी चटनी, और खाते हैं अभी। वाह जी, एकदम बढ़िया, अच्छे से बने हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एकदम ऐसा नहीं कि कुछ अलग डाल के फ्यूजन करके अप्पे बनाया, बस जो साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट है उसको अंडों के साथ फ्यूज किया है, तो वो बन गए एग अप्पे। तो अगर आपको भी नॉर्मल ऑमलेट वगैरह से थोड़ा बोर होके कुछ नया ट्राई करना है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो एग वाले अप्पे। तो आपको आना है अग्रवाल्स ब्रेकफास्ट हब, जो कि लक्ष्मी नगर स्क्वायर में नागपुर में। ये है नथिंग बट कॉफ़ी, और उसके जस्ट सामने आपको यहाँ पे भैया मिल जाएंगे। सुबह 6:30 बजे खुल जाता है, 11:30 बजे तक है, सैटरडे मंडे टू संडे, सैटरडे एंड संडे को 2 बजे तक। तो जल्दी से आओ, ये चीज़ ट्राई करो। एंड गेस और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे एग पिज़्ज़ा, एग घोटाला, एग कीमा, तो वो भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको कुछ फ्यूजन में खाना है। जल्दी से मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।